राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी में जाके देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो दोस्तों आज आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। इंडियन आर्मी द्वारा दोस्तों आपके लिए सेना में खुली भर्ती का ऐलान यहाँ पे हो चुका है। किस राज्य के लिए सेना की भर्ती रैली निकल गया, ये कब से कब तक आपकी भर्ती रैली होने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, अगर आप ये पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपकी जो आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले दोस्तों, जनरल ड्यूटी की टेक्निकल और स्टोर कीपर। और आपको बता देंगे यहाँ पे आगे पोस्ट की अगर हम बात करें, आपको नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेडमैन की पोस्ट पर आपकी जो भर्ती यहाँ पे होने वाली है, यानी कि तकरीबन सभी पोस्टों पर आपकी जो भर्ती है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपकी एज कट ऑफ की अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल 2004 के बीच में कैंडिडेट ऐसी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर वेट है दोस्तों आपको बताया गया है, और जो आपका मैक्सिमम वेट यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों 44 kg आपका वेट है यहाँ पे होना चाहिए। और 17.5 से लेकर यानी कि 20 वर्ष के कैंडिडेट का जो वेट चलेगा दोस्तों यहाँ पे, बहुत 54 किलो आपका जो वेट है यहाँ पे मांगा गया। अगर आपका इससे कम है तो दोस्तों आपको कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आपका इससे अधिक है तब भी आपको दोस्तों कोई भी एंट्री है यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैक्सिमम आपका जो वेट है दोस्तों 44 होना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पे 54 से अधिक कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपकी हाइट होगी दोस्तों इसमें 157 सेंटीमीटर, और आपकी जो चेस्ट है नॉर्मल है, और आप 10th सिंपल पास हो तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और कलर के लिए दोस्तों आपकी जो एज कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपकी एज होगी, और यही आपकी जो दोस्तों इसमें वेट है मैक्सिमम 44 की मांगा गया है। और आपकी एज के हिसाब से आपको बता दें कि यहाँ पे 56 kg आपका वेट है यहाँ पे होना चाहिए। प्लस टू पास दोस्तों अगर आप हो तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ट्रेडमैन की अगर हम बात करें दोस्तों, ट्रेडमैन के लिए भी सेम टू सेम आपका यही वेट है। और ट्रेडमैन के लिए पोस्टों की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप 10th पास हो या फिर 8th पास हो तो तब भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के दोस्तों आप इस भर्ती में को अटेंड नहीं कर सकते। और JD के लिए दोस्तों आपकी 33% अंक होने चाहिए, ट्रेडमैन के लिए भी 33% आपके अंक 10th में होने चाहिए। और अब बात करें दोस्तों आपके फिजिकल की, फिजिकल दोस्तों आपको वही रहने वाला, आपको पता है कि 1600 मीटर की आपकी रेस होगी, 5.5 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला, यानी कि 5:45 का समय मिलेगा, 10 पुश मारने होगी और 4 अंक आपके पुश होंगे, 9 फुट का आपका जंप होने वाला, जिंग जंग बैल्स भी आपका साथ साथ में यहाँ पे होगा। और आपको बता दें कि डॉक्यूमेंटों की अगर जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन, ठीक है, और अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट का और स्कूल करैक्टर, करैक्टर गांव के करैक्टर का, मैरिड, नो क्लेम सर्टिफिकेट दोस्तों। अगर आप रिलेशन की भर्ती से हो तो आप रिलेशन का भी लिए जा सकते हो। और NCC सपोर्ट्स, जितने भी आपके पास दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है, और सारे सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको बता दें कि COVID-19 की जो रिपोर्ट आपके दोस्तों 48 घंटों की यहाँ पे मांगी गई है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आपकी जो रिपोर्ट है आपके पास होना चाहिए। और बात करें भर्ती की दोस्तों, भर्ती जो आपकी यहाँ पर निकल गई है, यह भर्ती दोस्तों आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से आपकी जो भर्ती यहाँ पर होने वाली है, यह भर्ती 24 जून से लेकर 30 जून के बीच में होगी। और इस भर्ती के लिए आप सभी दोस्तों 25 अप्रैल से लेकर 8 जून तक आप सभी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लद्दाख की तरफ से आपकी जो भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों सेना की तरफ से निकल गया, लेह और लद्दाख की भर्ती है यह होने वाली है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो भर्ती के लिए आप सभी 25 अप्रैल से लेकर 8 जून तक आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सुबह 8 बजे आपकी यहाँ पर एंट्री होने वाली है, और 24 से लेकर 30 जून के बीच में आपकी जो भर्ती यहाँ पर होने वाली है, और इस पते पर आपकी जो भर्ती है यह होने वाली है। बस आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको बतानी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।